अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनावर है और बेसिकली मैं एक यूट्यूबर हूँ, स्ट्रगलर यूट्यूबर हूँ ये कहना ज़्यादा पसंद करूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन 18,000 समथिंग अराउंड अबाउट, नॉट एग्जैक्ट फिगर। माशाल्लाह। और ये है कि बेसिकली मैं फ़िल्म का स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए इस फील्ड में आने का शौक़ मुझे शुरू से था। फ़िलहाल जो मैं एपिसोड्स बनाता हूँ वो स्टोरीज़ की नरेशन होती है बेसिकली, और इससे पहले जो मैं करता था वो व्लॉगिंग थी। खैर, फ़िलहाल मैं जिन स्टोरीज़ पर मेरा फोकस है और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे बनाने में, समटाइम्स मुझे सवाल मैं खुद से पूछता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। सही है। मगर फिर जब मैं अपनी जो मेरी कम्युनिटी है, जब मैं उनका रिस्पांस देखता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में, तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इतनी सी स्टेज पर अगर आपको एक इतनी सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो अच्छा जनावर, जिन स्टोरीज़ कर रहे हो आप, तो ये मैंने और भी यूट्यूबर्स को देखा है, मतलब काफ़ी कर रहे हैं जिन स्टोरीज़ और इस तरह की चीज़ें, और काफ़ी लंबे लंबे सेशंस होते हैं। ये ऑब्सेशन क्या है जिन्स के साथ तुम लोगों का? यार, मेरा पर्सनली तो जिन्नात के साथ कोई ऑब्सेशन नहीं है। हाँ, मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी जुनेद अकरम की, जिन स्टोरीज एपिसोड 1, जिसमें डॉक्टर सोलंकी को उन्होंने फीचर किया था, तो वो मुझे बहुत कह लो कि मैं उससे मुतासर हुआ था, क्योंकि इससे पहले तो हम सिर्फ कज़न्स में जो हमारे आपस में गैदरिंग्स होती थी, स्पेशली शादी और दीगर त्यौहार पर, तो तब कज़न्स की जब गैदरिंग होती थी तब सारे बैठ के ना रात के किसी वक्त में जब फरागत होती थी उसमें बैठ के सारे ये जिन्नात के और अपने अपने वाकयात शेयर करते थे। इवन उसको भी करने पड़ते थे जिसके साथ कोई वाकया नहीं भी हुआ, अपने से बना अपने के। से बना करने पड़ते थे। तो ये है कि किसको नहीं पसंद जिन्नात की कहानियाँ किससे, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ऐसी चीज़ की बात कह रहे हो जिसे आपने कभी भी देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। देखा जिन्होंने है वो गुजर चुके हैं, हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग नानी दादी जो हमें किस्से सुनाया करती थी, बकौल उनके उन्होंने देखा है ना, हमने तो नहीं देखा। आपने देखा कभी किसी जिन को? नहीं, मुझे लगता है मैंने उन्होंने भी नहीं देखा होगा। मैंने भी नहीं देखा, तो बस किस्से सुने और हाँ, किस्सों वो की भी हद मुझे तक लगता है, पसंद नहीं ये किस्से ही है ना, मतलब यानी कि स्टोरीज बन के आ रही हैं है। और वो हाँ सारा कुछ, ये मिथ्स मिथ्स वगैरह पे, इस तरह की चीज़ों पे है ना ज़्यादा। नहीं, आप जिन्नात को मिथ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हमारे ईमान का हिस्सा भी है। नहीं वो तो है, लेकिन ये जो इनके साथ स्टोरीज रिलेटेड है ना उन पे, इन पे मैं एक मिथ्स के साथ ना, वो एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, मिथ्स एंड मॉन्स्टर, उसमें ना इस तरह की कहानियों के बारे में काफ़ी एलैबोरेटिव सी डिस्कशन हुई हुई है। देखी हुई आपने? नहीं, मैंने मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का। वो रिकमेंडेड आपको देखना, नेटफ्लिक्स पे है मिथ्स एंड मॉन्स्टर्स। तो उसमें ना मतलब यानी कि वो बताते हैं कि मतलब यानी कि मुझे उसमें बड़ा मज़े का ये लगा था, वो उसमें सारा उसने पैटर्न बताया था कि इनका स्टोरीज़ का पैटर्न क्या होता है, ये वो सारा कुछ। तो आप कर भी स्टोरीज रहे हो तो मेरे जहन में आई बात, मैंने कहा मैं बता दूँ। मुझे लगता है कि मतलब यानी कि आवाम अच्छी खासी है यहाँ पे, है ना, जो ये जिन स्टोरीज इंजॉय करती है। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखो, अगर आपके घर में कोई गैदरिंग होती है, आप उसमें जन्नात का जिक्र चढ़ जाता है, तो कौन सुनना नहीं पसंद करता। है ना, और फिर वो एकदम से ऐसे माहौल सा बन जाता है कि वो अगर रात का टाइम है तो, और खामोशी, और सर्दियों की रातें तो खास तौर पे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। सही है। तो जैसे मतलब ये जिन स्टोरी स्टार्ट की, कहानियाँ जो हैं वो लोग भेजते हैं, ज़्यादातर मुझे लोग कहानियाँ भेजते हैं लेकिन कहानियाँ खुद भी बनाते हो? यार, खुद मुझे ज़्यादातर मेल्स आती हैं, ठीक ठीक है, है और काफ़ी ज़्यादा आती हैं मेल्स, ठीक है। तो वो मेल्स की जब मैं रिसीव करता हूँ तो मैं बकायदा डिस्क्लेमर देता हूँ अपनी वीडियोस के ऊपर कि जो मैं मेल्स रिसीव करता हूँ उसमें जो लोगों ने मुझे कहानियाँ बताई होती हैं, जो मैं नरेट करके सुना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उनमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, तो मैं क्लेम ही नहीं करता उनकी ऑथेंटिसिटी को। मैं बस, मेरा काम है वो कहानियाँ पकड़ के उनको नरेट करके सुनाना, दैट्स ऑल। सही है। कभी खुद खुद से कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ जिनका? ये जिन्नात का एक्सपीरियंस खुद से नहीं, आज तक नहीं हुआ। कुछ छोटे मोटे इत्तेफाक हुए हैं, मसलन मसलन इस तरह से कि एक रात को मैं सो रहा था, ठीक है, तो ख्यालों में मेरे कोई था। अब मुझे नहीं पता कि उसका उससे क्या लिंक है, या शायद जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो बहुत नेक पारसा किरदार के मालिक थे शायद वो। खैर, मैं बात इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं उनके मतलब सोच रहा था तो उसी दौरान मेरे कान में ना मुझे लिटरली एक सरगोशी सुनाई दी थी, किसी ने मेरा नाम पुकारा हो सनावर, और बकायदा किसी खातून की आवाज़ में मुझे अपना नाम सुनाई दिया था। सही है। और ये रात का क्या टाइम था? ये तकरीबन 10:30 का टाइम था, क्योंकि अमूमन मैं इस टाइम तक सो जाता हूँ।
सही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने वैसे बोला हो आपका नाम। नहीं ऐसा मेरा मजाक नहीं ना मेरे घर वालों के साथ, तो इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज क्योंकि कमरा भी मेरा थोड़ा हटके है, तो मैं सो रहा था और साथ मेरे वो जो कैबिनेट है वो था, और अब कैबिनेट में से अगर आपको या उसके पास से आवाज़ आई है, बकायदा मैं एकदम उठा हूँ कि ये क्या मतलब आवाज़ किस किस्म की है, मैंने इधर उधर देखा है, बट वहम समझ लिए, सही है वहम सही है। समझने में बेहतर था उस वक्त, बजाय ये कि मैं कुछ और समझता हूँ मेरी रात आवाज़ आ होती, तो मैंने कहा चलो से वहम समझते हैं और लेट इट गो। तो कभी कहानी बनाई है खुद? यार कहानियाँ बहुत सी बनाई हैं खुद मैंने, सही है। हाँ इवन जब हमारी गैदरिंग होती थी आपस में, तो मैंने पहले भी बताया कि इत्तेफाक होता है आपको कि अगर किसी को नहीं भी आती ना तो वो उसको सुनानी पड़ती है, तो ये मैं अपनी बचपन की बेसिकली बात सुना रहा हूँ, तो मैं पार्टिसिपेट करता था और फिर ऐसी ऐसी कहानी होती थी कि जिसका ना तो कोई सिर होता था ना पैर होता था, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन मेरी होती थी उसमें। कि मतलब अच्छा हाँ बातें हो रही यार, कि मतलब उस तरह की बातें होती थी ना जिसमें फिर बाद में ये बातें, मतलब मैंने वैसे मेरा वैसे पर्सनली इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि शायद जिन स्टोरीज़ वगैरह वाला, लेकिन मतलब ये था कि हमारे ना वो कयामत पे चले जाते थे और फिर वो दज्जाल की बातें कब्र के जज। अजाब तक पहुंचते हाँ नहीं कब्र का अजाब सही है, लेकिन कहने का मतलब ये कि वो याजूद माजूद और इस तरह की दज्जाल के और वो किस्से कि यार एक वो आएगा और फिर ये होगा, मतलब ये रियलिटी बेस्ड इस तरह की डिस्कशंस हुई हैं और इससे मुझे वैसे ही वाकई रोंगटे खड़े होते थे, अभी भी होते हैं मतलब एक्चुअल में इस तरह का कुछ जिक्र हो रहा हो, क्योंकि वो तो वाकई इस तरह की चीज़ है ना कि जो होनी है और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना होगा, लेकिन जिन सॉर्ट ऑफ ये है कि मेरे लिए शायद ये नया है कि मतलब मैं मेरा इस तरह का वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कभी बैठ के इस तरह की डिस्कशन की हो कि चलो यार स्टोरीज बनाते हैं और सुनाते हैं, शायद हमें किसी ने सुनाई नहीं है इसलिए शायद हमने आगे नहीं किया। नहीं क्या मतलब कि इस जिन्नात के किस्से वाकयात कभी आपने? मतलब ये है कि सुना है कि मतलब जिन्नात के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बैठ के और हम कभी डिस्कस मिलने का करें इत्तेफाक नहीं हुआ? यार क्या नहीं जिन्नात से मिलना क्यों है मुझे, और मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन्नात के बारे में मुझे कभी किसी ने इस तरह बताया नहीं कि यार मेरे साथ ये हुआ लाइक दैट, ठीक है, मतलब इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई मेरी किसी बंदे के साथ कि जैसे आप बता रहे हो ना कि आपके कान में से सरगोशी की इतने, तो भाई मैं कौन सा ऐसा कह रहा है। हूँ कि वो जिन्नात में से कुछ था, मतलब हाँ एक हाँ इत्तेफाक हुआ था, मतलब हाँ मैं वाहक अगर भी कोई होते मुझसे हैं। पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ पर्सनली क्या इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश आया, तो मेरे पास है कि छोटा सा है, अब मुझे नहीं पता मेरा वहम भी हो सकता है, तो मैं नहीं क्लेम करता कि जिन्नात में, यार देखो सीधी सी बात है जिन्नात जो है ना वो एक सिविलाइजेशन का नाम है, ठीक ठीक है। है, वक्त के साथ साथ हम स्टोन एज से अभी तक इवॉल्व हुए हैं, स्टोन एज में क्या सिलसिला था, क्या सिलसिला था? स्टोन एज में जो सिलसिला ये था कि आप लोग पत्थर से ही आपने जो इन्वेंशंस की, ठीक है ठीक द है। फर्स्ट फायर दैट वाज इन्वेंटेड, ठीक ठीक है, है। तो हालांकि तब के दौर में वो एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कि इंसान ने आग आग का बनना। इस्तेमाल किया, और ये है कि अब आज के दौर में देख लें हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने इवॉल्व किया, तो लाजमी नहीं है कि जिन्नात का अभी भी वही इमेज हो जो हमारे जहन में है, उन्होंने भी इवॉल्व किया होगा, और ये मेरा किसी हद तक मानना है कि अब मेरे ख्याल से उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इंसानों को डराएं ये करें, अपनी मसरूफियत हो सकती है उनकी, वेल दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो ये तो होगी ना जिन्नात के बारे में बातें, बाकी आप व्लॉगिंग भी करते हैं? नहीं व्लॉगिंग में करता था, करता था, छोड़ क्यों नहीं? छोड़ अच्छा किया मैंने छोड़ दी थी, वक्त के मुझे एहसास हो गया था, देखें क्यों? पाकिस्तान में एक मसला ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं आती है ना उसकी एक हाइप क्रिएट हो जाती है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऑफेंड कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि पाकिस्तान में सबसे पहले व्लॉग जो स्टार्ट किया था व्लॉगिंग करना वो इरफान जुनेजो ने स्टार्ट किया था, उसने स्टार्ट किया ठीक है नाम बना लिया दैट्स इट, ठीक है। हाँ यूट्यूब का ये कि अगर आप एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन से अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो आपको दूसरों तक पहुँचाएगी आपकी वीडियोज़ को, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसने स्टार्ट की, उससे इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने कोशिश की, जिसमें से तकरीबन गिने चुने दो या तीन बंदे जो अभी फिलहाल व्लॉगिंग कर रहे बहुत हैं, अच्छा कर रहे हैं ठीक लोग। है, उसके अलावा जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पता है कंपटीशन लिस्ट में ढेर सारे यूट्यूबर्स की रिकमेंडेशन आती है जो आपके सब्सक्राइबर लेवल पर होते हैं, तब मेरे थे कोई 300 400 की बात बता रहा हूँ सब्सक्राइबर्स, तो उसमें बेशुमार ब्लॉगर्स थे, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार ये मैं क्या करूँ, हाँ अगर मैं उससे बेटर परफॉर्म करता हूँ तो आई कैन कम्पीट, अगर मैं नहीं कर रहा तो दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम।
या फिर ये कहा जाए कि मैं अपने लिए बस कुछ मोमेंट्स हैं जिन्हें कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा यूट्यूब इसे प्रमोट करे ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। मेरा जो आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरा पहला सेटअप था ना, आपका तो फिर भी माशाल्लाह ऑर्गेनाइज है, मेरा ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं था। मैं जब व्लॉग करने जाता था ना, आपने देखा है, आपको बहुत पसंद आया, वो बेसिकली इतनी लंबी माइक की वायर होती थी, वो मैंने यूं जेब में घुसाई होती थी, क्योंकि मैं तब रोड का माइक अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, तो मैं वो लेके तो डक्की के बाज़ार में जा रहा हूँ जी व्लॉग करने, ये लगन थी मैंने किया, वसाइल मेरे लिए अल्लाह ताला ने खुद पैदा किए। हाँ, अच्छा अगर डिसहार्ट करने वाले उस टाइम बहुत थे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे पर्सनली, ठीक है, तो खैर उस वक्त पे दोस्तों ने काफ़ी मजाक भी उड़ाया था, पर मैंने उसे पॉजिटिवली इंटेक किया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आज मजाक उड़ा रहे हैं, कल को नहीं उड़ाएंगे, मैं खुद इनके लिए एक मौका प्रोवाइड कर देता हूँ कि वो मेरा मजाक ही ना उड़ाए। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिसोर्सेज पैदा होते गए, मैं अपग्रेड करता गया, फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि घी हमेशा सीधी उंगली से नहीं निकलता, थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है। मैंने जिन स्टोरीज पर शिफ्ट किया, और मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे नज़दीक तो खैर जितना को जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होता है। और नहीं, सब्सक्राइबर का रेट कब से बढ़ना शुरू हुआ तुम्हारा? यह मैंने आपको बताया कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी, ठीक ठीक है। है, तो इत्तेफाक हुआ एक दिन मैंने ये एपिसोड देखी थी जुनेद अकरम की जिन स्टोरीज़ की, ठीक है, तो यूट्यूब काम करती है कंपटीशन के ऊपर, जिस चीज़ का कंपटीशन लेस हो तो उसे ज़्यादा, अगर आप उसमें अपने आप को फेंकते हो ना, वो ज़्यादा आपको प्रमोट करती है यूट्यूब। एनी हाउ, मैंने वो देखी, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, मैंने कहा क्यों ना एक एपिसोड बनाया जाए। तो मैंने फिर ना उससे रिलेटेड एक एपिसोड बनाया जिन स्टोरीज़ एपिसोड 1 के नाम से, और डालकर तो दैट्स इट। मैंने अपने दोस्तों वगैरह से फीडबैक ली, मैंने कहा आपने देखा है किस तरह का लगा है। अब वो ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स के आदि थे, तो वो कह रहे थे कि तो मैंने भी करके ना, मैंने कहा चलो ठीक है यार दफा करो। तो 2 महीने गुजर गए, मैंने कोई कुछ भी अपलोड नहीं किया हुआ था। तो उन दिनों मुझे मेरे दोस्त ने मुझे एक बात बताई, वो भी बेसिकली यूट्यूबर है, उसने मुझे बताया कि जी ऐसे ऐसे उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके पास मौका था, अगर वो फ़ौरन दूसरी वीडियो अपडेट करता चैनल के ऊपर तो वो उसका चैनल स्टेबल हो सकता था, मगर उस कुछ मजबूरियाँ बन गई थी उसकी, जब वीडियो वायरल हुई वो अपलोड नहीं कर सका, ये बात मेरे जहन में थी। 2 महीने बाद क्या हुआ कि मेरे मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आई, मैं तकरीबन मेरे ख्याल से दानियाल वगैरह के साथ ही बैठा हुआ था, मैंने देखा एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ है मेरे जिन स्टोरीज के ऊपर, किसी ऐसे बंदे का जो मेरे फ्रेंड सर्कल में से नहीं है, हालांकि सही बस है, वही 11-12 अमूमन मुझे कमेंट्स कमेंट्स आते मिलते थे हैं। स्टार्ट में। मेरा भी यही सीन है वैसे। तो हाँ मैंने कहा अच्छा अनयूजुअल है, पता नहीं कौन है पागल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ठीक हो गया, 2 मिनट बाद दोबारा मुझे एक नया कमेंट रिसीव हुआ, मैंने कहा अच्छा ठीक है किसी ने फैमिली के साथ शेयर कर दी होगी। जनाब वो क्या हुआ कि मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स आते गए आते गए आते गए, मैंने कहा चेक करें हुआ क्या रहा है, जब मैंने वो चेक किया तो उसके व्यूज़ तकरीबन 200 समथिंग से 4,000 पर पहुंच गए थे, ठीक है, और घंटे घंटे के हिसाब से उसके व्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रहे थे, 500 600 समथिंग लाइक दैट, और तकरीबन 3 दिन के अंदर अंदर वो 11-12 हज़ार से ऊपर चली गई थी। तो मुझे पता चल गया कि ये बेसिकली सजेशन में जा रही है लोगों की, तो मैंने इस मौके को हाथ से जाने ना देते हुए मैंने इसका फ़ायदा उठाया, मैंने फ़ौरन जिन स्टोरीज एपिसोड अपलोड की और उसके व्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छे भले मिले, सही मतलब है, 3 दिन के अंदर मुझे एक अच्छी व्यू रेशियो मिल गई थी। तो सही तब है। से जो मेरा एपिसोड 1 अपलोड करने के कितने देर बाद मिली थी ये? एपिसोड 1 अपलोड करने के बाद मेरे तकरीबन 4,000 सब्सक्राइबर्स तो मक्खन की तरह हो गए थे, अच्छा, ये मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये ये 2 महीने एपिसोड? बाद स्टार्ट हुआ था नहीं, एपिसोड 1 अपलोड करने के बाद, एपिसोड 1 अपलोड करने से पहले कितने सब्सक्राइबर थे? less than 1,000। ठीक है। और अब की और वो 2 महीने बाद देखा कि वो तो चढ़ी बढ़ी मतलब है। 2 महीने बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे 4,000 हो गए थे, क्योंकि सही है, मतलब मेरी वो वायरल हो गई थी वायरल वीडियो हो गई थी। सही है। फिर उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर ये अगली एक बनाई। हफ्ते। मैंने छोड़ो असाइनमेंट्स वगैरह पीछे करो सारा कुछ, मैं जल्दी से एपिसोड 2 बनाऊँ, मैंने एपिसोड 2 बनाया और फिर वो भी अच्छी खासी वीडियो सजेशंस में वो भी गई थी सही है। फिर ये सारा कुछ, ये तो मतलब यानी कि व्लॉगिंग से नहीं, जिन स्टोरीज के थ्रू हुआ जिन है। स्टोरीज के थ्रू। ब्लॉगिंग से तो कोई मुझे जानते ही नहीं, सिवाय मेरे फ्रेंड सर्कल के या म्यूचुअल फ्रेंड्स कह लें वो जानते थे, उसके अलावा तो सही कोई है। कराची की कोई सुगरा परवीन थी जिसने गलती से देख ली तो वो जानती होगी, उसके अलावा ऐसे कोई नहीं जानता था मुझे ब्लॉग्स के जरिए। पीपल नो मी एज द ग्राफिकल टूड हु टेल जिन स्टोरीज। सही है। ये ग्राफिकल डूड बोला है आपने अभी,
मैं ये भी पूछने वाला था कि मतलब ये ग्राफिकल डूड ही क्यों यार मत मेरी दुखती रख पे पैर मत करो, अब मैं इसे चेंज भी नहीं कर सकता, बहुत अच्छा है पहले, पता नहीं क्या सोच के मैंने। हाँ आई वॉज ए क्यूट फ्री नाम है, लेंसर, क्यूट नाम है यार, आई वॉज ए फ्री लेंसर, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, सही है एक सोर्स ऑफ इनकम थी, तो सही मैंने है। कहा चलो यार अपने फेसबुक पेज का मैंने बेसिकली नाम चेंज किया था, फिर मैंने उसी को यूट्यूब पे कन्वर्ट किया, तब मैं व्लॉगिंग भी नहीं करता था, तो वो दी ग्राफिकल डूड के नाम पे कन्वर्ट हो गया। तो तब ये जब वीडियो सजेशन में जाने तो लोग आपको पता है जिस नाम से आप जाने जाते हो उसी को करते हैं, अगर आप चेंज करते हो तो फिर लोग, अगर मैंने नाम चेंज कर लिया है आप जाके बताते हो दी ग्राफिकल डूड की देखो वीडियोस, वो सर्च करते हैं वो नाम ही नहीं आता, तो फिर फायदा, तो इसलिए आई कैन डू इट एनी मोर। तो बाकी आई डोंट लाइक मतलब दिस इसको नेम, नाम को पसंद नहीं करते हो, रखना भी नहीं चाहते, लेकिन ये है कि क्योंकि अभी पहचान मजबूरी बन बन चुका गई है तो है, बन वो गई है, वरना फिर मैं यार सोचता हूँ कि इतना अच्छा यार नाम है, इतना डिफरेंट नाम है तुम्हारा, सॉर्ट ऑफ, मगर थोड़ा लेंथी है, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मगर फिर मैं तसल्ली इस हवाले से देता हूँ कि और भी यूट्यूबर्स हैं कैसे कैसे अजीबोगरीब नाम है, लेंथी भी है, वो भी चल रहे हैं तो ये भी चल रहे हैं, बस ठीक है, अवाम मेरी खुश है तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे नहीं लगता लेंथी है यार, इतना सही तो है, मतलब द ग्राफिकल डूड, मतलब मुझे तो बड़ा कूल लगा था, मुझे लगा कि चलो तुमसे एक स्टोरी सुनाओगे यार, ये ग्राफिकल डूड की ये स्टोरी है, ऐसा था। गुड टू नो, गुड टू नो, आई शुड चेंज माई मोटो। हाँ तुम्हें तुम्हें इस पे वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए यार, मतलब सही है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट नाउ। हाँ कि मतलब अच्छा नाम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। इसकी इसकी भी एक स्टोरी बनाओ, ग्राफिकल डूड एक दिन जिन आया था मेरे पास और उसने मुझे कान में कहा ऐसे हो एक ही ग्राफिकल डूड, फिर मैंने ऐसे सोचा ही कि मेरे लिए ये नाम लकी होगा, कुछ इस तरह की अच्छी सी स्टोरी बना के अपलोड करो कि मेरा नाम ग्राफिकल डूड क्यों है। हाँ बनाई जा सकती है अगर लोग देखें तो, मगर लोगों को ज़्यादातर जो जिन स्टोरीज पसंद कंसर्न है है वो जिन स्टोरी से, अगर उससे हटके मैं कुछ अपलोड करता हूँ तो जो कोई 1,000 के करीब हैं जो काफ़ी अच्छे मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं अगर मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ तो, वो ठीक है, उसके अलावा तो हाँ भाई क्या हो गया है, जिन स्टोरीज किधर है, पागल यार, ये जुनैद अकरम वाली वाइब्स आई है मुझे बीच में ना, हाँ बस ये वैसे वो कहता है ओ भाई ये क्या है, पागल, जिन स्टोरीज हाँ कहाँ है लाइक मतलब, लेकिन वैसे अगर इसको मतलब थोड़ा सा क्रिटिकली देखा जाए ना, क्रिटिकली तो ये मतलब कुछ इस तरह का काम नहीं है जिसमें आपकी, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तुम तो मुझे मतलब बताना कि मतलब मैं एक तो मैं बता रहा हूँ कि एक मेरे जैसे बंदे के जहन में क्या बात आ सकती है, तो वो ये है कि इस काम में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है ना वो शायद नहीं है, ये बस वो है कि जो मैसेज के लिए है और बस आप थ्रो एग्जैक्टली, कर रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट, दिस सही इज़ है। ओनली फॉर द सेक ऑफ द मैसेज, दिस इज़ नॉट फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। हाँ पर्सनल ग्रोथ इस हद तक है कि मुझे सीखने को मिल रहा है कि यूट्यूब बेसिकली हाउ डज़ यूट्यूब वर्क, ठीक है, ठीक है, मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को मिल रहा है। हाउ डज यूट्यूब वर्क, ट्रिकी क्वेश्चन। वेल यार देखो यूट्यूब जो वैसे आपको यूट्यूब कि वीडियोस पे आपको देखने को मिलते हैं ना कि ऐसे ऐसे काम करती है, बेसिकली बात उनकी दुरुस्त होती है, मगर वो ये नहीं बताते कि भाई इसमें ये करो, पट्टे काटो, ये करो, वो ये नहीं बताएंगे आपको कि मेथड क्या है उसको काम करने का, तो ठीक है। उसमें ये कि लो कंपटीशन सबसे पहले बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ जो कि मैं पहले करता था, तो अब व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी है, व्लॉगिंग को भी छोड़े मैं गेमिंग की बात कर लेता हूँ, ठीक है किसको नहीं पता यूट्यूब के ऊपर कितने ज़्यादा गेमर्स हैं जो गेमिंग के नाम से जाने जाते हैं। मैं गेमिंग का चैनल बनाने की ख्वाहिश रखता हूँ, अब क्या नाम है, मैंने चैनल बना लिया, अब मैं वीडियोस लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसी क्या बात है, मेरा इतना अच्छा कॉन्टेंट है, ये है वो है, आप वहाँ पर एक चीज़ भूल जाते हो कि आपने सबसे पहले तो अपना कॉम्पिटिटर चूज़ करना है कि आप किसको अपना टारगेट रख के अपनी वीडियोज़ लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग वर्ल्ड में मैं अपना टारगेट रखता हूँ श्राउड कर लो, वैसे तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तो मैं श्राउड को अपना टारगेट रखता हूँ और मैं उसकी वीडियोस को कम्पीट करते हुए उससे बेटर वीडियोस बनाता हूँ तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाएगी और सही है। उसकी वीडियो के सजेशन में शो करेगी, अदरवाइज इट्स अ फ्लॉ। और मतलब यानी कि फिर इसके लिए तुमने अपना कोई रखा है कि मतलब प्रोसेस के, मतलब तुम अगर कह रहे हो ना कि वाकई में इसमें तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग में ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, तो उसके लिए तुमने सॉर्ट ऑफ कुछ सोचा हुआ है या कोई साइड प्लान है तुम्हारा इस बारे में, क्योंकि अगर हम लोग मैसेज को खुश करने या मैसेज की के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाने बना रहे हैं, दैट्स गुड कि मतलब उनके लिए भी कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए, दैट्स गुड फॉर योर अर्निंग टू, ठीक है, दैट्स गुड कि तुम्हारे पास ऑडियंस आ रही है,
वो प्रायोरिटी तो शायद डिफरेंट होती है हर बंदे की, लेकिन उसको कैसे मैनेज करते हो या आप किसके किस तरह सेटिस्फाई करते हो अपने आप को कि यार अच्छा मैं एटलीस्ट ये तो कर रहा हूँ, या मुझे मैं ये कर लूँगा, या मैं ऐसे ऐसे करता रहा हूँ, और या मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेंटल ग्रोथ भी साथ साथ करवा रहे हैं। यार देखो, सोशल मीडिया पर आप जब भी आते हो ना, तो आप ये चीज़ भूल जाओ कि उसमें आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करने के लिए या अपने लिए नॉलेज हासिल करने के लिए कुछ कह रहे हो। सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर दिस थिंग, ठीक है? उसमें आप मैसेज को खुश करने के लिए आते हो, क्योंकि ठीक है आप अगर अपने अपने हिसाब से कुछ करते हो ना, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट इट, ठीक है? उसमें कुछ भी आप अपने लिए कर सकते हो, किसी को उससे फ़र्क नहीं है। हाँ, लोगों को वो चीज़ देखने पसंद है कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है। आप अपनी एग्जांपल ले लो, आप यूट्यूब खोलते हो, आप कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म खोलते हो, उस पर आप अपनी पसंद की चीज़ देखते हो, आप दूसरों की पसंद की चीज़ नहीं देखते हो। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क, सिंपल आंसर है इसका, बस ये। नहीं वो तो हो गया ना, वो तो मतलब यानी कि आपने प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर कर दी, लेकिन बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मेरा ये सवाल था कि मतलब वो अपने लिए सॉर्ट ऑफ के क्या चीज़ है, अपने लिए क्या करते हो एम आई एन इन्फ्लुएंसर? आई डोंट थिंक आई यार। एम एन इन्फ्लुएंसर। यार 20,000 मेरे ख्याल से तो सब्सक्राइबर्स इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर जो है, मेरे ख्याल से वो इंस्टाग्राम पे ही है, पाकिस्तान के बड़े जाने माने वही है। मैं तो नहीं हूँ इन्फ्लुएंसर यार, अपने आप को कहता। नहीं आप कहते नहीं हो, लेकिन ऑब्वियसली यार इन्फ्लुएंस है तुम्हारा, अगर 20,000 लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, 20,000 बीस एक बात हजार में होती से है, डिपेंड करता है ना, देखने कितने वाले हैं चलो मेरे। 1,000 लोग ही होंगे देखने हाँ वाले, लेकिन 1,000 लोग अगर फॉलो कर रहे हैं और वो मतलब डेडिकेशन से आते हैं देखते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, तो फिर मतलब कुछ तो है ना जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग, यार, तो वो वो फॉलो सेंस ऑफ इसीलिए कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसको करते हो, ये वो फील ही नहीं हो रही अभी। देखो वो फॉलो बेसिकली मुझे नहीं करते हैं, हाँ तुम्हारे वो कंटेंट को करते जो मेरे हैं कंटेंट को करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं वो कह रहे हो कि आटे में नमक के बराबर है, ठीक ठीक है। है? वो मेरी बातों को सीरियसली, उनको इनगल्फ करते हैं, उनसे सीखने को नहीं मिलता है, ये वो है। तो बेसिकली वो लोग भी अपनी पसंद को ही देख रहे हैं। तो अगर मैं इसमें कुछ अपने लिहाज से करता हूँ, तो कुछ लोग उसको पसंद करेंगे, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। हर बंदा तो नहीं ना दी ग्राफिकल डूड का फैन, हर मतलब ज़्यादातर लोग तो क्या नाम है, जिन स्टोरीज के फैन हैं बस। मैं मतलब इंस्पायर हूँ यार तुम्हारे काम से, तुम्हारा व्लॉगिंग वाला काम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और मैं हैरान हूँ कि तुम उसे कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि देखो क्योंकि बात वो वही है, तुम्हारा कंपटीशन की हाँ बात है। कंपटीशन की बात है, तुम एक मतलब एक मार्केट में सरवाइव करने के लिए कर रहे हो, तो दैट्स गुड कि मतलब यार तुमने मतलब यानी कि मार्केट को समझा और फिर उस पर कैसे काम करना है ये वो सारा कुछ ये देखा और उसके बाद भी कर रहे हो, तो बाकी जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है वो क्या मतलब इसमें 18-25 में। हाँ, मोस्टली तो ये 60 प्लस 60 प्लस, बल्कि कह लो जो परसेंटेज है ना, वो 18 to 25 है। उसमें ज़्यादातर हाउसवाइफ्स हैं जो बहुत शौक से देखना पसंद करती हैं अपने बच्चों के साथ। मैं मना करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ मत देखें, उनकी ग्रूमिंग के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि फिक्शन है, आप बता रहे हो, बच्चे के जहन में हर तरह का सवाल आ सकता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होते हैं। अब बचपन में देखो भाई, हमें जिन्नात के नाम से, जिन्हों से डर क्यों लगता है? क्योंकि बचपन में हमारी नानी दादी ने ना हमें इन्हीं इन्हीं चीज़ों के मतलब बताया कि कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि एक खौफनाक वाइब क्रिएट की हुई है हमारे जहन में, जब भी जिन का नाम आता है तो हम खौफ ज़्यादा हो जाते हैं कि यार अच्छा अब चले जाओ, जैसे ये है वो है। अच्छे भी तो हो सकते हैं ना उसमें, ठीक है अपने काम से काम रखने वाले भी तो हो सकते हैं उनमें। और क्या बताओ, उनका वो तरीका का वैसा हो ही ना जिस तरह से हम बचपन से सुनते आए हैं। ठीक है अब आजकल के बच्चों के साथ अगर हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, तो कल को वो उनका नज़रिया टोटली डिफरेंट होता है, सही है। डरपोक नहीं होंगे वो बच्चे इन मामलों में, इन सिचुएशन में। और मेरे ख्याल से जो हाउस वाइफ देखती है उसका भी यही रीज़न हो सकता है कि वो सॉर्ट ऑफ वो अपना नॉस्टैल्जिया उनको फील होता होगा शायद, वो बचपन में इस तरह की हाँ, अपने तक बातें। रखें ठीक है, मगर हाँ बच्चों, मैं भी इवन वीडियोस में भी लाउडली कहता हूँ कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सही है, और लेकिन बच्चे हैं भी नहीं ना, मतलब अगर 16 से 25 साल तक की एज आ रही है तो दैट्स हाँ नॉट बच्चे के मतलब जो देख रहे हैं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो अंडर अंडर एज बच्चे हैं, अंडर एज कि इवन बच्चे। उनके साथ भी मेरी एपिसोड्स देखी जाती है। इवन मेरी फैमिली में भी ये चीज़ है, मेरी कुछ कजन्स हैं जो अपने सही छोटे है मोटे बच्चों के साथ देखना पसंद करती है देखना मेरी पसंद करते एपिसोड, हैं। पर मैं मना करता हूँ कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर देम। तुम्हारा प्रोसेस बड़ा मज़े का है, मतलब मैं देख रहा था कि मतलब अच्छा ठीक है तुमने डिस्क्रिप्शन दी और फिर उसके बाद बताया ये कहानी कहाँ से आई है,
और तुमने कहानी सुनानी शुरू की है और बीच में पीछे म्यूजिक लग गया है, आवाज़ बदल गई है, बीच में आवाज़ भी 2-3 दफ़ा बदल रही थी, पहले मुझे लगा एक दफ़ा बदली, मुझे लगा कि यार शायद माइक का कोई मसला हुआ है, लेकिन फिर 2-3 सेकंड बाद फिर आवाज़ बदली थोड़ी सी, फिर आवाज़ नॉर्मल हुई, मतलब 1-2 लफ्ज़ के लिए आवाज़ बदल रही थी नरेशन इसलिए। में आप जब कुछ नरेट करते हो तो उसे हाँ नरेटिव स्टाइल में ही बताना चाहिए। सही है। अगर आप कैजुअली कुछ ब्रीफिंग दे रहे हो तो उसे कैजुअली आपको ब्रीफ करना चाहिए। अच्छा, कहानी डिफरेंस है, सुनाना, कहानी सुनाना भी जो है ना एक फ़न है, एक फन आर्ट है। है। हाँ, कहाँ से सीखा? यार मैंने आपको बताया मैं फिल्म का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो है स्टोरी टेलिंग। ठीक है। स्टोरी टेलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इसमें मैंने इसके आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े हैं कि आप इसे किस तरह से आप आगे पहुंचा सकते हो। क्योंकि देखें इसकी एक छोटी सी मिसाल है, मैं कहता हूँ आपने यहाँ से लेकर वहाँ तक वॉक की, अब इसे मैंने एक स्टोरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अगर मैं अपनी ऑडियंस को सिंपल ये सुनाऊंगा कि जी बिलाल ने इधर से लेके अपने दरवाजे तक वॉक की, ठीक है सुन ली, अच्छा क्या था इसमें। अगर मैं सुनाता हूँ कि बिलाल अपने सोफे से खड़े हुए एकदम लाइट चली गई, जब वो रास्ते में गए तो वो किसी चीज़ से टकराए और नीचे गिर गए, नीचे गिरने पर उन्हें चोट लगी, और जब वो आगे अपनी उन्होंने अपनी सफ़र अपना रवाना किया दोबारा, उन्हें फिर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो जगह जगह से टकराते फिर रहे थे। आखिर में जब अपने दरवाजे तक पहुंचे और लाइट आई तो देखा वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। अब यहाँ से लेके वहाँ तक का सफ़र था। थोड़ी मैंने इसमें एक्स्ट्रा मसाला वगैरह आपको, मतलब कहानी के अंदाज में एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए हर कहानी में, वो मैंने बताया। तो जिन स्टोरीज से लोग भेजते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो मैं फिर उसे एक नैरेटिव पर्सपेक्टिव में सुनाता हूँ। सही है। तो यहाँ से कह रहे हैं कि मैंने स्टोरी बनाना या स्टोरी टेलिंग की। इट मिथ्स एंड मॉन्स्टर वो ज़रूर चेक करना तुम। श्योर आई विल गिव इट अ वॉच। हाँ, तुम कहानी सुनाते हो तो आई होप कि वो उसमें जिस तरह उन्होंने कहानी का बताया हुआ ना कि कहानी टूट के कहानी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो कहानी जो एंशेंट कहानियाँ जो बन रही थी, उसमें मुझे बड़ा मज़े का एक फैक्ट लगता है। आई वॉन्ट टू शेयर दैट कि मतलब यार वो जैसे उसने कहा कि मतलब डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट कहानियाँ थी, ठीक है, और उन कहानियों के बारे में जो है ना उसने उनका ओरिजिन बना के ना वो कहता है कि मुझे लगता है कि इन सब कहानियों का ओरिजिन एक है, और जब ओरिजिन एक है ना तो फिर उसने हर कहानी के कॉमन कंपोनेंट्स उठाए और फिर जब स्टोरी बनाई ना तो उसने कोई मेरे ख्याल से 11 या 12 कंपोनेंट्स हैं ऑलमोस्ट, या मेरे ख्याल से 10 है, मतलब मैं वो भूल रहा हूँ कितने हैं, लेकिन वो बड़ा मज़े से ना उसने स्टोरी को बनाया हुआ है कि स्टोरी बनती कैसे थी एंशंट फॉर्म में जो हमारे तक कहानियाँ पहुँचती हैं, हाँ लाइक हाँ हाँ जैसे कि मतलब किसी को कोई जीन उठा के ले गया और इवेंट्स फ्रॉम फिर द पास्ट। उसके बाद वो जो है शहजादा उसको लेने के लिए गया और लाइक दैट, एग्जैक्टली इस तरह की कहानियाँ जो थी, तो इस तरह की कहानियाँ तो सुनी होंगी। शुरू हाँ, से ये तो फिक्शन है। परी को देखने की ख्वाहिश रही है बचपन से, अच्छा दिखती कैसे है, क्या है क्या नहीं, पर वाकई लगे होते हैं या नहीं लगे होते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट क्या प्लान्स हैं? यार नेक्स्ट कंटेंट के हवाले से कुछ प्लान्स मैंने सोचे हुए हैं, और ये है कि रिसेंटली मैंने एक टीज़र भी पोस्ट किया था, आपने वो देखा है, तो हाँ, मैंने देखा है यार ये, मुझे वो पर्सनली बहुत जब तक पसंद ये है। एपिसोड आएगा ना तब तक वो रिलीज हो चुका होगा ऑब्वियसली, हाँ क्योंकि ये तो महीने बाद शायद आए। परहैप्स, हाँ तो ये है कि दी ग्राफिकल डूड, मेरे चैनल का नाम है दी ग्राफिकल डूड। वेरी हाँ फनी। उसमें मेरा जो रिसेंट एपिसोड होगा वो आप देखिएगा, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो ये है कि उस पर मैं सोच रहा हूँ कि उसी को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे वो काफ़ी मुझे मज़ा आता है ये रात ये ऐसे पहर में किसी अबेंडेंट सी प्लेस में जाके आप एक्सप्लोरेशन करते हो, एक एड्रेनलिन रश होता है आपकी बॉडी में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं तो वो क्या रियल इवेंट्स पे जो अभी रिलीज होने वाली है ऑब्वियसली हाउ वी आर गोइंग टू फेक इट, टेल मी हाउ कैन आई फेक इट। करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा करते हैं। वो करते हैं, उन्हें डिबंक करना आसान है, बट इफ समवन कैन डिबंक माई वीडियो दैट्स गुड। दैट्स गुड या दैट्स इम्पॉसिबल? नहीं दैट्स गुड इफ दे कैन, अगर कर सकें तो। आई मीन वॉच द एपिसोड फॉर योर सेल्फ एंड लेट मी नो योर थाट्स अबाउट इट। यार इवेंट्स देखो, जब आप इस जगह पर जाते हो ना, तो मेरा ये कहना है कि देखो बिहाइंड द कीबोर्ड बिहाइंड द स्क्रीन देखना आसान है, बट वेन यू आर देयर इट्स टोटली अ डिफरेंट वाइब, इट्स टोटली अ डिफरेंट फीलिंग, एक रश होता है परमानेंट आपके एड्रेनलिन रश आपकी बॉडी में ना थ्रू आउट होता है, एक फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर मौजूद होना और बिहाइंड द स्क्रीन देखना बहुत आसान है।
हाँ अगर कोई कॉमन सेंस है इंसान में तो वो आसानी से पहचान लेते हैं यार कि ये ऑब्वियसली दिस इज़ अ फेक फेक कर थिंग, रहे। ये वो है। मैं तो ये भी नहीं कहता भाई जो मेरा एपिसोड है उसमें कोई जिन्नात वाली चीज़ है, इंसान भी हो सकते हैं, ड्रग एडिक्ट्स भी हो सकते हैं, कहीं पे छुपे हों वो कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट एपिसोड में दानियाल और हमने जो आवाज़ सुनी थी वो एक मेल साउंड थी, ठीक है, एट द वेरी एंड। अब पॉसिबल है कि वो एक ड्रग एडिक्ट ही हो, पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे जाने से पहले वहाँ पर किसी की रूटीन हो कि सही हाँ जी है, वो लेट्स डू द ठीक है। तो इस लेट्स तरह के गो विद द एपिसोड्स और फ्लो। भी आएंगे, मतलब यानी कि जिन स्टोरीज के यस साथ इस तरह के अब आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ये वो कह रहे डाको फॉर्म में भी आना शुरू हो जाएंगे, हाँ बिकॉज आई लाइक दिस वो मीडिया जॉनरा फॉर्म, यही है मेरा, जॉनरा यही है। ठीक ठीक है है। बस इसमें वेरिएशन होगी ठीक है एपिसोड वाइज। ठीक है। जिन स्टोरीज के साथ एसोसिएट होना, मतलब कहीं जा रहे हो और अच्छा लगता है कि मतलब यानी कि जिन स्टोरीज के साथ यार अच्छी पहचान बनी, जैसे ग्राफिकल डूड से एनॉयड हो। यार मुझे कभी भी किसी ने जिन स्टोरीज के हवाले से नहीं कहा, जिसने भी मुझे आज तक अप्रोच किया वो ग्राफिकल डूड के ही हवाले से कहता, मुझे अच्छा लगता है वो सुनना। तो अच्छा है ना नाम तुम्हारा तो फिर। हाँ अच्छा नाम है, अच्छी बात है, अच्छा चलो नाम है मेरा। एटलीस्ट अगर मैं तुम्हारे तुम्हें ये कन्विंस कर सकूं कि तुम्हारा नाम अच्छा है तो हाँ मतलब नहीं वाह। दैट्स गुड, आई एम कन्विंस्ड। वैसे मतलब लाइफ में मतलब कोई इस तरह का फैन एक्स मोमेंट हुआ हो? बहुत बहुत ज़्यादा हुए हैं यूनिवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा हुए हैं। अच्छा हाँ मेरी हसरत होती थी खवातीन से बात करने की ना, मतलब सेलिब्रिटी मोमेंट हो मेरी ज़िंदगी में कोई, तो बहुत दफ़ा हुआ है। बड़ी मुझे मज़ा आता है उस चीज़ के ना, मतलब आउट ऑफ द वे मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड सर्कल में तो पता है आपकी क्या वैल्यू है, मतलब अच्छी वैल्यू होती है, हाँ मगर कोई वैल्यू नहीं होती एक वैसे। कंफर्टेबल आप उस पे रहते हो। तो उसमें जब कोई एक थर्ड पर्सन आता है या आती है, वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी आप द ग्राफिकल डूड हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपकी वीडियोज़ देखी, आपके व्लॉग्स देखे, तो वो एक जो मोमेंट होता है ना दैट्स वर्थ लिविंग। सही है सर, ये तो वाकई मतलब मज़े की होती है बात। तो ये कौन से सेमेस्टर में आके फील होना शुरू हुआ था, और उसके बाद की और उसके पहले की यार ज़िंदगी जब का थोड़ा सा मैंने, कंपैरिजन कर सकते हो? यार उससे पहले तो मुझे ऑब्वियसली कोई नहीं जानता था, पर मैंने एक यूनिवर्सिटी में मोटो बनाया हुआ था कि अपना नाम ज़रूर बनाना है ठीक है और किसी अच्छे तरीके में बनाना है। तो ऑब्वियसली फिर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, व्लॉगिंग स्टार्ट की, यूनिवर्सिटी का पहला पहला व्लॉगर था मैं, ठीक है। उसके बाद एक और भी आया था तो उसने बीच में क्विट कर दिया, मैंने कंटिन्यू रखा, तो ये है कि फिर एक अच्छा भला मेरा नाम बन गया यूनिवर्सिटी में, ठीक तो है। लोग जहाँ भी मैं गुजरता था कि आप वही हो ना यूट्यूब वाले भाई, दी ग्राफिकल डूड हो ना, आप व्लॉग करते हो ना, मैं कहा हाँ मैं ही हूँ। तो कभी भी मैंने ये नहीं कि कोई एरोगेंस उन्हें शो की हो, बल्कि नहीं, हमेशा झुक के उन्हें अदब से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और आज भी करता हूँ, क्योंकि देखें उन्होंने मेरी अपना वक्त निकाल के वो मेरे पास आए, और एक इंसान के लिए इससे बड़ी बात क्या होती है, वो आपको अपना वक्त दे रहे हैं कि जो एक बार चला जाए वो दोबारा वापस नहीं आता, तो इस चीज़ की हमेशा कदर करनी चाहिए। ये है कि जैसे हर बंदे का होता है ना कि यार अच्छा हाँ ये एम है, जैसे मुझे तुम अपनी स्टोरी बता रहे हो ना कि तुम्हें हॉरर जॉनरा पसंद है और इस तरह का, कुछ इस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब आगे आने वाले 10-15 सालों में कोई एक हॉरर डॉको फिल्म आ रही हो तुम्हारी? यार नहीं हॉरर डॉक्यू फिल्म का तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको मजीद कंटिन्यू करता हूँ मतलब हॉरर इस तरह का जॉनरा कुछ को। रखा नहीं हुआ कि हाँ यार रखा ये हुआ बनाना है कुछ इस तरह का, तो है फिर बात है। मगर वो एक एम है, उस एम को अचीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ मुझे ऑनेस्टली भी खुद भी नहीं पता, पर एम ये है कि आई हैव टू एटलीस्ट क्रॉस अ मिलियन सब्सक्राइबर्स, अच्छा मतलब एम सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स एम है। अच्छा यार फिल्म मेकिंग जो है ना, मतलब पाकिस्तान में मैंने मतलब कम लोगों को सुना है कि जिन्होंने सोचा हो, और मतलब मेरे इलाके में कम से कम कि जिन्होंने सोचा हो फिल्म मेकिंग करनी है पहले से और फिर इस तरह की स्टडी की हो। मतलब कैसे, मतलब एक बंदे को जब सब लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं तो वहाँ से कोई इस तरह की थॉट आती है कि यार मैं फिल्म मेकिंग में जाता हूँ? मेरे जो दादा थे सैयद शफकत हुसैन, सही है। वो बेसिकली एक फिल्म मेकर प्लस डॉक्यूमेंट्री मेकर थे, ठीक है। अच्छा हाँ माशाल्लाह। और उनकी जो एजुकेशन थी वो कनाडा से, उन्होंने अपनी क्या नाम है ऑडियो विजुअल्स में अपनी डिग्री हासिल की थी, बेसिकली वो डिप्लोमा था। और फिर हॉलीवुड में वॉल्ट डिज्नी का शायद आपने नाम सुना हो, जिसके नाम पे स्टूडियो भी है और हम अक्सर देखते भी हैं मूवीज़, तो फिर वॉल्ट डिज्नी के साथ इनकी कुछ मंथ की इंटर्नशिप थी। उसके बाद वो पाकिस्तान आए और फिर पाकिस्तान में वो पाकिस्तान सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे। तो ये बेसिकली मुझे मेरे दादा से ही सारी इंस्पिरेशन मिली है, और उन्होंने जो एक दो डॉक्यूमेंट्रीज थी, दी भिवानी जंक्शन, ठीक है, वो डिजिटल मीडिया पर तो अवेलेबल नहीं है, मगर ऑफ द रिकॉर्ड उनकी कुछ रील्स थी मौजूद हमारे पास, मगर एक फ्लड में वो सारी भी हम गंवा चुके थे। तो ये है कि मैंने कहा कि क्यों ना एक लेगेसी है, एक घर में लेगेसी बनी है, तो उसी क्यों ना हम कंटिन्यू करें।
तो इसलिए फिर मेरा रुझान ज़्यादा फिल्म की तरफ रहा। सही है। तो मतलब ये किस टाइम पे जाके डिसाइड किया था इसमें, यार कौन सी क्लास मुझे में थे तो तब सोचा था कि यार मैंने तो ये दादा बू की तरह का बनना है, या बहुत बचपन में थे? अच्छा यार छोटा था तब से मुझे था कि मैं सिंगर बनूंगा सिंगर बनूंगा, और वो गाते जब हो? बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ऐसी कोई अच्छा बात नहीं है। तो फिर क्या नाम है, तो खैर फिर उसके बाद क्या नाम है, मैंने फिल्म्स की तरफ मेरा रुझान हुआ। फिल्म्स में एक टर्म यूज होती है VFX, विजुअल इफेक्ट्स। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था कि ये कैसे बनता है, क्या सिलसिला होता है। तो एक नई फिल्म आई थी 2009 में, दी जंपर के नाम से। ये उसमें क्या करता था, वो बेसिकली बंदा, उसके पास एबिलिटी होती थी, ही कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक ठीक है, अगर ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो ही कैन जंप टू द अदर साइड ऑफ द वॉल। है वो मैं यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि यार ये इफेक्ट कैसे डालते हैं, हाउ टू डू द जंपर इफेक्ट। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, एक प्रोग्राम था आफ्टर इफेक्ट्स, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के नाम से। मैं गया शहर, 100 रुपये की मैंने CD ली अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की। मैंने अपने एक पेंटियम बेस्ड सिस्टम में उसे इंस्टॉल किया, फिर मैंने उसके ऊपर फर्स्ट अपनी विजुअल इफेक्ट्स परफॉर्म किया थ्रू अ वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो। तो वहाँ से फिर मुझे ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, आई शुड लर्न दिस। तो फिर फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स ये, तो फिर मैंने कहा कि इसे प्रॉपरली परसू करते हैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लिया, और यहाँ से फिर मेरा सिलसिला जो है वो चल रहा है आगे। उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू ही रहेगा। सही है। कोई मैसेज देना चाहो? मैसेज 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 मेरा मैसेज ये है कि इंसान को कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आज इस लम्हे में हम हैं, कल नहीं है। और आखिर में जब हमने जाना है, हमारे अमाल जो हमने अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में किए होंगे वो हमारे साथ रहेंगे, उनकी हमसे पूछ होगी। तो अगर बिल्कुल हमारे बुरे अमाल होंगे तो लोग भी हमें बुरे लफ्ज़ों में याद रखेंगे, और हमारा जो हिसाब किताब होगा वो बुरे अमाल के नस्बत होगा। और अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे तो हमारा जो हिसाब किताब होगा वो अच्छे अमाल के नस्बत पे होगा। बेशक इसीलिए इंसान को कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अगर इंसान अपने आप को पहचान जाए तो वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन सकता है। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। सनावर से बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, और उम्मीद करता हूँ कि सनावर को भी अच्छा लगा होगा बात करके, बिल्कुल अपने बेशक, एक्सपीरियंस शेयर करके। और होपफुली होपफुली अगर आप लोगों ने पसंद किया तो हम सनावर से दोबारा मिलेंगे, ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ, और अपनी इस तरह कोई जिन स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें इधर लाइव सेशन में बैठ के। तो बहुत शुक्रिया सनावर, बहुत शुक्रिया थैंक यू बिलाल, ज्वाइन आपका बहुत करने के शुक्रिया लिए। कि आपने मुझे मौका दिया आपके शो पर आने का। तो थैंक यू सो मच। और ये है कि आपकी ऑडियंस के लिए भी ये पैगाम है कि बी सपोर्टिव, बी काइंड टू एवरी वन यू मीट इन द लाइफ। बाकी बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पर आने पे। यू आर अ वेरी हम्बल मैन, और ऐसे लोगों से मिलने का कम इतफाक होता है। सो स्वीट ऑफ यू यार, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। इसके साथ ही हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।